हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के इस वीडियो में शुरू करते हैं 9 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न होगा कि 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम क्या रही। देखिए, ये एक रिवीजन का प्रश्न है और हमारा उद्देश्य होता है कि जो पुराने करंट अफेयर्स हैं उसका भी रिवीजन होता रहे। तो 5 जून 2020 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी गई थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि विकल्प ए। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट ये होगा कि 2020 की जो होस्ट कंट्री रही वो थी कोलंबिया। ठीक है, तो क्रम से याद रखिए, 2018 में होस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया। 2019 में होस्ट कंट्री बना था चाइना, और अब 2020 में होस्ट कंट्री कौन है? कोलंबिया। तो ये आप याद रखना, ICK। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के शुरुआत योगदान के साथ एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 250 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जून 2020 के दौरान अनवर सागर का निधन हो गया। देखिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं जिनका निधन हो जाता है तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो बताइए कि अनवर सागर का निधन जो हाल ही में हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि वो एक म्यूजिशियन थे, गीतकार थे, और उन्होंने अक्षय कुमार की खिलाड़ी जैसे फिल्मों में वादा रहा सनम जैसे गाने लिखे हैं। तो 70 वर्ष की अवस्था में अनवर सागर का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में जून 2020 के दौरान भारत की राष्ट्रीय रेटिंग्स को BAA2 से घटाकर कर दिया है कितना? तो फ्रेंड्स, BAA2 से घटाकर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो भारत की रेटिंग है उसे कर दिया है BAA3, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिर BAA रेटिंग क्या है। तो जो BAA रेटिंग होती है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कुल मिला के 3 प्रकार की रेटिंग्स होती हैं। एक तो होता है BAA1, दूसरा होता है BAA2, और तीसरा होता है BAA3। BAA3 ये सबसे लो मेरिट मानी जाती है। ठीक है, तो BAA3 दरअसल BAA का एक उपखंड है जो मूडीज द्वारा दीर्घकालिक बॉन्ड्स और निवेश के लिए एक क्रेडिट रेटिंग है। BAA को 3 भागों में बांटा गया है, BAA1, 2 और 3। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, वो ये है कि BAA3 मूडीज रेटिंग स्केल में सबसे कम निवेश ग्रेड है। अगर किसी अर्थव्यवस्था को BAA3 के तौर पर रेटिंग दे दी गई तो इसका मतलब यह है कि वह अर्थव्यवस्था कबाड़ या गैर निवेश ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ही ऊपर है। तो वर्तमान में COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी भयानक है, और जो अगर हम देखा है GDP के हिसाब से अगर देखें तो जो वर्ल्ड की GDP है वो तो काफ़ी नीचे नेगेटिव में जा रही है। हालांकि भारत और चाइना जैसे जो देश हैं उनकी जो GDP है वो अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 के बाद जनवरी 2021 में आयोजित होने जा रहे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक की थीम क्या होगी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में कोरोनी में है। और ये भी आप जानते होंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WEF की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1971 में। इसका CEO कौन है? Klaus M. Schwab। और इस वर्ष यानी कि 2020 के बाद अभी हाल ही में जो बैठक हुई है उसके बाद 2021 में बैठक होगी, और उसके लिए जो थीम रखी गई है वो है द ग्रेट रीसेट। ठीक है, द ग्रेट रीसेट, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेट रीसेट। जरूर याद रखिएगा कि जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले WEF की दावोस बैठक की थीम है द ग्रेट रीसेट। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, द ग्रेट रीसेट। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास व शांति के लिए, यूनाइटेड नेशन के विकास और शांति के लिए गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं M. Netra।
एम नेत्रा को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल अम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका जिक्र किया था। और ये क्यों पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, तो लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने वाली सैलून संचालक की बेटी एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर आपकी भावनाएं अच्छी हो तो निश्चित रूप से उसका पुरस्कार भी आपको मिलता है। इसके अलावा ऑप्शन डी को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, वेलेंसिया एलंगबाम, इनकी उम्र भी अभी मात्र 13 वर्ष है और एम नेत्रा भी अभी मात्र 13 वर्ष की ही हैं। ठीक है, तो वेलेंसिया एलंगबाम ये जो है मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई हैं और वेलेंसिया एलंगबाम भी मात्र 13 वर्ष की हैं। एक्चुअली में इन्होंने कुछ पेड़ लगाए थे और उसके बाद जब सड़क का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पर इन पेड़ों को काट दिया गया और कटे पेड़ों को देखकर ये लड़की बिलख बिलख कर रोने लगी थी और उसके बाद इनकी जो तस्वीरें थी वायरल हुई और फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें ग्रीन एम्बेसडर बना दिया गया मणिपुर का, वेलेंसिया एलंगबाम। तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेटा थनबर्ग, इनकी उम्र भी अभी काफ़ी कम है और ये जो भी हैं एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं जो कि कहाँ की रहने वाली हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन होगा, दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट जिसको नाम दिया गया है के फोन, तो के फोन को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बनेगा। सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी केरल। तो केरल यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत में पहला राज्य बन गया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 5 जून को की थी। और इसी के साथ एक बात और भी आप लोग याद रखिएगा कि केरल भारत का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक मौलिक अधिकार की संज्ञा प्रदान की है, नागरिक मौलिक अधिकार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की है। तो नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी करने वाला देश है साउथ अफ्रीका। तो क्या आप बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है, जो अंतरिक्ष एजेंसी है साउथ अफ्रीका की उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सांसा यानी कि साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। तो सांसा ने गहरे अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी के लिए नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म इसका होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग किया है। तो सांसा और नासा ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया हुआ है। बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, BAFTA बाफ्टा। क्या बता सकते हैं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो फ्रेंड बाफ्टा का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, तो बाफ्टा ने कृष्णेंदु मजूमदार को नया अध्यक्ष बनाया है और कृष्णेंदु जो हैं वो बाफ्टा के इतिहास में पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो कृष्णेंदु मजूमदार का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, यह 3 वर्ष का होगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन बी कृष्णेंदु मजूमदार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे जो कि सेलिब्रेट किया गया 8 जून 2020 को, इसकी थीम क्या रही। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, वर्ल्ड एशियन डे सेलिब्रेट किया गया 8 जून 2020 को, थीम रखी गई इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अब तेज़ी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जून के बारे में, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया गया, विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे ये मनाया गया कब, 1 जून को। तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया था 2 जून को और विश्व साइकिल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया 3 जून को। हालांकि 3 जून को ही एटलस की तीसरी और अंतिम इकाई भी बंद हो गई, तो ये एक चर्चा का विषय रहा। और इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये डे मनाया गया था 4 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, 5 जून को होस्ट कंट्री कोलंबिया, दोनों बात आप याद रखना। और 6 जून को सेलिब्रेट किया गया संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को। 7 जून को सेलिब्रेट किया गया
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिसकी थीम रखी गई फूड सेफ्टी एवरी वन बिजनेस, इसके बारे में कल के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, दोनों मनाए गए 8 जून को। विश्व महासागरीय दिवस जिसकी थीम रखी गई इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप बताइए कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है ऑप्शन डी 12 जून को, यानी कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो बाल श्रम को विश्व से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 जून को, तो विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या रहेगी? तो ये जो दिवस है वो मनाया जाएगा कब? अभी 14 जून को मनाया जाएगा और 2020 की थीम क्या रखी गई है? सेफ ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी, सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। और इसी के साथ आपको बता दें कि विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम है सेफ ब्लड सेव लाइव्स, जबकि 2019 की थीम थी सेफ ब्लड फॉर ऑल और 2018 की थीम थी ब्लड कनेक्ट अस ऑल। तो ये तीनों आप याद रखना, कभी कभी UPSC की परीक्षाओं में जो पिछला 1-2 वर्ष पुराना भी जो करंट होता है वो पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को अभी ऑन कर लीजिए ताकि हर लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और एंड्रॉयड ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो क्विक रिवीजन और सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर, तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।